हेलो फ्रेंड्स क्या हालचाल है मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे अच्छा फ्रेंड हंड्रेड मोस्ट रिपीटेड कंप्यूटर एमसीक्यूज़ का ये पार्ट सेकंड है पार्ट फर्स्ट जिसने नहीं देखा वो लाजमी देखे हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज इसमें डिस्कस किए थे ठीक है आज भी इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज है मैं कोशिश करूंगा कि उनको डिटेल के साथ डिस्कस कर सकूं आपने लेक्चर को गौर से सुनना है ठीक है चले स्टार्ट करते हैं सबसे पहला आपका एमसी क्यूज है चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आपकी जो फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर थी उसमें चीफ कंपोनेंट क्या था सबसे पहले तो ये देखो हमारी जनरेशन कितनी है हमारी टोटल पाँच जनरेशन है पहली जनरेशन सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ फर्स्ट जनरेशन में आपका चीफ कंपोनेंट क्या था वैक्यूम ट्यूब ठीक है इसी तरह सेकंड में अगर पूछे तो क्या था ट्रांजिस्टर थर्ड में हमारा क्या था इंटीग्रेटेड सर्किट फोर्थ में माइक्रोप्रोसेसर फिफ्थ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ठीक है अब देखो मैंने आपको ये देखो थर्ड में लिखा हुआ है एम एस आई एस एस आई समाइम ऐसा होता है कि आपसे पूछ लेते हैं थर्ड जनरेशन में आपके कौन सा कंपोनेंट यूज हुआ वहाँ पे आईसी का ऑप्शन हुआ तो आपने लगा दिया समटाइम आईसी की बजाय लिख सकते हैं एसएसआई और एमएसआई अब आपका ऑप्शन कौन सा बन जाएगा एसएसआई एमएसआई अगर वहाँ पे आईसी ना हुआ बेसिकली ये है क्या स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन मीडियम स्केल इंटीग्रेशन इसी तरह माइक्रो प्रोसेसर का ऑप्शन अगर ना हुआ तो उसकी जगह एल एस आई लार्ज स्केल इंटीग्रेशन लिख सकते हैं इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जगह वी एल एस आई लिख सकते हैं बेसिकली ये है क्या एस एस आई में आपके दस से बारह ट्रांजिस्टर लगे होते हैं ठीक है ये एक चिप है उस चिप में आपके 10 से 12 ट्रांजिस्टर लगे हैं तो वो है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन इसी तरह एम एस आई में आपके कितने हो सकते हैं नियर टू हंड्रेड ठीक है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन आपके माइक्रोप्रोसेसर में थाउजेंड तक हो सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिज वी एल एस में आपके मिलियंस अराउंड थ्री मिलियंस तक ठीक है मिलियंस की तादाद में आपके ट्रांजिस्टर लगे होंगे तो जस्ट ये आपका नंबर्स ऑफ ट्रांजिस्टर का ही डिफरेंस है इसमें ठीक है यहाँ पे ये आपने अप्रीवेशन गोर से आपने इसको देखना है ठीक है इसको याद कर लेना है ई एन आई ए सी इलेक्ट्रॉनिक नोमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर ये अक्सर एग्जाम में आपकी अप्रिवेशन पूछ सकते हैं ठीक है यूनिवेक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर आई बी एम अप्रिवेशन इंटरनेशनल बिजनेस मशीन एस एस आई स्टैंड फॉर स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन एम एस आई स्टैंड फॉर मीडियम स्केल इंटीग्रेशन एल एस आई स्टैंड फॉर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ठीक है आगे देखते हैं माइक्रो प्रोसेसर और स्विचिंग डिवाइस आर विच जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर कौन सी जनरेशन में यूज हुए माइक्रो प्रोसेसर आपकी फोर्थ जनरेशन में यूज हुए फर्स्ट में क्या था वैक्यूम ट्यूब सेकेंड में ट्रांजिस्टर थर्ड में आईसी, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर एंड फिफ्थ में इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अच्छा ये जो मैंने ब्लैक में लिखा है ये बेसिकली फर्स्ट जनरेशन के फेमस कंप्यूटर हैं ठीक है ई एन आई सी आई बी एम पचास इक्यावन और सोलह सौ पचास इसी तरह सेकेंड जनरेशन के आई बी एम सोलह सौ बीस ग्यारह सौ आठ ये अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं इसीलिए इसको मैंने साथ में लिख लिया है ठीक है तो क्वेश्चन था आपका माइक्रो प्रोसेसर और स्विचिंग डिवाइस जनरेशन कौन सी जनरेशन में आपके माइक्रो प्रोसेसर यूज हुए फोर्थ जनरेशन में ठीक है यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर की जगह एल एस आई भी लिख सकते थे ठीक है तो आपको पता होना चाहिए आपका एल एस आई भी माइक्रोप्रोसेसर और ये फोर्थ जनरेशन वाला ही है ठीक है विच इज नॉट ए कंप्यूटर ऑफ फर्स्ट जनरेशन फर्स्ट जनरेशन का इनमें से कौन सा कंप्यूटर नहीं है देखो मैंने अभी आपको बताया कि फर्स्ट जनरेशन में ये कुछ एग्जाम्पल है आपके कंप्यूटर की ई एन आई ए सी यूनिवेक आई बी एम पचास इक्यावन सोलह सौ पचास तो ई एन आई की आपका फर्स्ट जनरेशन का है यूनिवैक भी फर्स्ट जनरेशन का आई बी एम पचास इक्यावन भी फर्स्ट नेशन का है लेकिन ये आई बी एम चौदह सौ एक आपका फर्स्ट नेशन का नहीं है ठीक है तो उन्होंने पूछा था नोट कंप्यूटर ऑफ फर्स्ट नेशन कौन सा आएगा आई बी एम चौदह सौ एक ENIC, UNIWAC, ये एनआईसी मैं बार बार कह रहा हूं इसको अच्छे तरीके से आपने याद करना है ठीक है Next देख लेते हैं, is, again, Universal, Automatic, Computer, ठीक माइक्रो प्रोसेसर आर स्विचिंग डिवाइस आर विस्ट जनरेशन अगेन रिपीट हो गया प्रोसेसर आपके फोर्थ जनरेशन में यूज हुए थे ठीक है 56 इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटिड इंटीग्रेटेड सर्किट्स आर रिलेटेड टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आईसी या इंटीग्रेटेड सर्किट आपकी कौन सी जनरेशन के हैं थर्ड जनरेशन के ठीक है थर्ड जनरेशन आपके कौन सी टाइप का आईसी यूज हुआ था मैंने आपको बताया है कि थर्ड जनरेशन में आईसी यहाँ आपको पूछ सकते हैं किस टाइप का आईसी यूज हुआ है एस एस आई एम एस आई ठीक है एस एस आई एम एस आई ए एंड बी दोनों टाइप के होंगे समटाइम अगर यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर का पूछा होता तो एल एस आई यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूछा होता तो हमने कौन सा लगाना था वी एल एस आई ठीक है या आपने इसको देख लेना है उसके बाद द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन में कौन सा आपका कंपोनेंट यूज हुआ था वैक्यूम ट्यूब ठीक है इन्वेंटेड इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी ये किसने इन्वेंट किया जैक जैकलबा रॉबर्ट या बोथ बोथ ऑफ ऑफ देम इसका इसका आंसर है ठीक है दोनों ये ने आईसी इन्वेंट किया था ठीक है आईसी कौन सी जनरेशन में यूज होता है थर्ड में सेकंड में कौन सा यूज होता है ट्रांजिस्टर फर्स्ट में आपका कौन सा यूज होता है वैक्यूम ट्यूब फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर एंड फिफ्थ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेक्स्ट देख लेते हैं वि वाज दी मोस्ट पॉपुले पॉपुलर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर ये भी नहीं फर्स्ट जनरेशन का है ये भी नहीं फर्स्ट जनरेशन का है आपके आई बी एम सोलह सौ पचास पचास या यूनिवेक या आपका आई बी एम पचास सकावन सोलह सौ पचास यूनिवेक और आपका ई एन आई सी ये आपके फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं ठीक है ये सारे आपके फर्स्ट जनरेशन में यूज नहीं हुए ठीक है 61 देख लेते हैं, ये 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 कुछ device ही हुई या ये floppy disk है? ये ये है आपकी फ्लोपी डिस्क हार्ड या हार्ड डिस्क ड्राइव ये है ये है आपका सी डी रोम सॉरी सी डी अब उन्होंने पूछा इनमें से कौन सी डिवाइस है स्टोरी डिवाइस जिसमें मैक्सिमम डाटा स्टोर हो सकता है देखो जो सी डी की कैपेसिटी है 680 सौ अस्सी से लेके सात सौ के, के दरमियान है सात सौ एम तक ये डाटा स्टोर कर सकती है आपका फ्लोपी डिस्क जो है वन पॉइंट फोर फोर एम तक इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है जो हार्ड है वो आप कितने जी बी तक स्टोर कर सकते हैं ठीक है तो मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी किसकी हुई आपकी हार्ड डिस्क की हार्ड डिस्क में आप जितना मर्जी डाटा स्टोर कर सकते हैं एज़ कंपेयर टू सी एंड फ्लोपी डिस्क ठीक है तो कौन सा ऑप्शन आएगा आपका हार्ड डिस्क का हाई डेंसिटी डबल साइड साइडि डिस्क गुड स्टोर ऑफ़ डाटा ये देखो ये आपकी जो हाई स्टैंडर्ड डबल्स है ये आपका वन पॉइंट तक स्टोर कर सकती है ठीक है मैक्सिमम वैसे मिनिमम ये ये मिनिमम करती है के में करती हैं ठीक है इसी तरह ये जो सबसे ज़्यादा आपकी है हाई स्टैंडर्ड इसमें वन पॉइंट तक डाटा स्टोर हो सकता है मैक्सिमम स्टोरेज इसकी है ठीक है इन मोस्ट पीसी द सी पी यू डि मेमरी एक्सपेंशन स्लोट एक्टिव कम्पोनेट आर मोन्टेड ऑन ए सिंगल बोर्ड विच इज नेम ऑफ दोर्ड कह रहे एक ऐसा बोर्ड है जिसमें आपके सी पी यू पीसीज आपकी मेमरी की स्लोट आपके कंपोनेंट उसी बोर्ड पर चिपके होते हैं उस बोर्ड को क्या बोलते हैं हम मदर बोर्ड ठीक है मदर बोर्ड में आपकी सारी ही डिवाइसीज माउंटेड हुई होती है ये देखिए ये आपका मदरबोर्ड है यहाँ पे आपका प्रोसेसर लगता है यहाँ पे आपकी रैम आ जाएंगी ठीक है ये आपके बसीज आपके ये सेल्स वगैरह ये आपकी पैराफेरिकल डिवाइसिस के लिए जो आपकी यू वगैरह है ठीक है मतलब ये आपका बोर्ड है इस बोर्ड के ऊपर आपके क्या है डिवाइस ड्राइवर है आपका सी पी सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट है आपकी मेमोरीज हैं सारी जितनी भी तो आपके कंपोनेंट है वो इसी बोर्ड के ऊपर मॉन्टेड हुए होते हैं ठीक है इस बोर्ड को क्या बोलते हैं आप मदर बोर्ड बिच प्रिंटर इज वेरी कॉमनली यूज फॉर डेस्कटॉप पब्लिशिंग अच्छा सबसे पहले प्रिंटर के बारे में मैं थोड़ा बता दूं प्रिंटर दो तरह के आपके इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आपके जो इम्पैक्ट प्रिंटर थे वो आपके अब बहुत कम यूज होते हैं बेसिकली ये स्लो भी है और इनकी नॉइज़ भी ज्यादा है इनकी आवाज भी ज्यादा है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर डीजी व्हील प्रिंटर लाइन प्रिंटर ये इसकी एग्जाम्पल है और अक्सर पेपर में पूछ लेते हैं वट आर दी एग्ज़ाम्पल ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर ठीक है इम्पैक्ट प्रिंटर की कौन कौन सी एग्जाम्पल है डॉट मैट्रिक डेजी व्हील लाइन प्रिंटर ये पहले यूज़ होते थे और इनकी शोर आवाज़ भी बहुत ज़्यादा थी ठीक है अब ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो हैं ये आजकल आपने मोस्टली देखे होंगे जिसमें इंक जैक्ट प्रिंटर है लेजर प्रिंटर है थर्मल प्रिंटर है इनकी एज़ कंपेयर टू इम्पैक्ट प्रिंटर स्पीड भी तेज़ होती है और इनकी नॉइज़ आवाज भी नहीं होती ठीक है इतनी तो विच प्रिंटर इज़ वेरी कॉमनली यूज आमतौर पर आपने जो घरों में देखा होता है वो कौन सा प्रिंटर होता है आपका लेज़र प्रिंटेड ठीक है ज़्यादातर जो यूज़ होता है नेक्स्ट विच ऑफ फॉलोइंग दोड्यूज द बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक रिप्रोडक्शन ये सारे प्रिंटर हैं लेजर प्रिंटर इंकजैक्ट प्लॉटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इसमें से कहा उसमें ये जो चारों हैं इनमें से कौन सा बेस्ट क्वालिटी का आपका ग्राफिक प्रोड्यूस करेगा देखो प्लॉटर प्लॉटर ऐसे प्रिंटर हैं जिसको आप यूज़ करते हैं आपने अगर हाई ग्राफिक की कोई चीज़ निकालनी हो या बहुत लार्ज साइज की निकालनी हो तो आप आमतौर पे प्लॉटर यूज़ करते हैं फार बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक ये प्लॉटर की आपको पिक्चर नजर आ रही है यहाँ पे ठीक है ये किस लिए यूज होते हैं हाई ग्राफिक प्रोड्यूस करने के लिए ठीक है या वेरी लार्ज प्रिंट आपने जब निकालना हो ना तो आप इसको प्लॉटर को यूज करते हैं आमतौर पर फ्लेक्सीज के लिए ठीक है उसके बाद द आउटपुट क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर इज मड बाय देखो अभी आपको प्रिंटर दो तरह के हैं इम्पैक्ट एंड नॉन इंपैक्ट नॉन इम्पैक्ट जो आजकल यूज होते हैं इनकी स्पीड भी तेज है और इनकी नॉइस भी नहीं आती इंपैक्ट प्रिंटर की स्पीड भी स्लो है और इनकी नॉइस भी आती है अब उसने पूछा था आउटपुट क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर इज मैयर बाय देखो ये मैं अब प्रिंटर स्पीड इज नॉर्मली अगर आपने प्रिंटर की स्पीड को मैयर करना हो तो आपने देखना है पेज पर मिनट एक मिनट में वो कितने पेज निकालती है लेट सपोज एक प्रिंटर एक पेज में पचास निकालता है एक प्रिंटर सत्तर निकालता है तो सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी हुई इसकी जिसने एक मिनट में सत्तर पेज निकाले तो पेज पर मिनट के लिहाज से हम स्पीड इसकी फ़ाइंड आउट करते हैं और अगर आपने इसकी रेजोलेशन फाइंड करनी हो या क्वालिटी देखनी हो प्रिंटर की कितनी अच्छी है तो डी पी आई डोट पर इंच ठीक है जितने ज़्यादा एक इंच में डोट होंगे उतनी ज्यादा इसकी क्वालिटी बेस्ट होगी तो हम डोट पर इंच के हिसाब से इसको मैयर करते हैं ठीक है डोट पर इंच देख लेते हैं जिस प्रिंटर के ज़्यादा है डेफिनेटली उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है ठीक है तो आउटपुट क्वालिटी ऑफ प्रिंटर इज मैयर बाय डोट पर इंच ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज वैलट लेडी अगस्ता इज द फर्स्ट प्रोग्रामर language डॉटर ऑफ लॉर्ड इंग्लिश तो ये सभी ही इसकी है. आपकी फर्स्ट प्रोग्रामर थी वो एक थी जिनका नाम था लेडी अगस्ता जो आपकी पहली प्रोग्रामर है ठीक है जिन्होंने फर्स्ट टाइम प्रोग्राम लिखा राइट किया ठीक है कौन है उनका नाम लेडी अगस्ता एक कंपाइलर इज ट्रांसलेटिव प्रोग्राम विद ट्रांसलेट्रक्चर अच्छा देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कुछ चीज़ें यहाँ पे समझ लो हमारी जो लैंग्वेज है मैंने आपको बताया था फर्स्ट पार्ट में लैंग्वेज दो तरह की है हाई लेवल और लो लेवल ठीक है हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है इसकी एग्जाम्पल सी सी प्लस ब्लस सी शार्प जावास्टिमेल पाइथन जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो ह्यूमन के बहुत करीब है इंसान उसको इजीली समझ सकता है क्यों समझ सकता है इसमें यहाँ तो करैक्टर होते हैं सिंबल होते हैं या इंग्लिश के आपके होते हैं अल्फाबेट जिसको इंसान इजीली पढ़ सकता है ठीक है ये जो अम्बली लैंग्वेज ये लो लेवल लैंग्वेज की एग्जांपल है असम्बली लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज ये कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है बाइनरी लैंग्वेज ठीक है मुझे नहीं पता ये क्या लिखा हुआ है ठीक है हो सकता है ये कोई ठीक है कंप्यूटर की लैंग्वेज में आपका ए हो बी हो सी हो कोई करैक्टर हो सकता है लेकिन कंप्यूटर तो जीरो वन की लैंग्वेज समझते हैं ना तो मैं ये जो जीरो 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 वन लिखूंगा मुझे नहीं पता ये क्या लिखा है इसकी नस्बत में अगर ए एफ पी लिख दूंगा मुझे पता है ये एफ लिखा है ए एफ पी ठीक है तो ये जितने भी आपके प्रोग्राम हैं ये किस में होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में और हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है यही जो आपकी ह्यूमन कैन इजीली अंडरस्टैंड जो इंसानी लैंग्वेज है जो अल्फ़ाबेटिक नुमैरिक इसमें होते हैं ठीक है अब देखो हम अपना कोड लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में ठीक है हम सी में अपना कोड लिखा और देखो कंप्यूटर को तो ये लैंग्वेज समझ आती है असम्बली या मशीन लैंग्वेज तो कोई ना कोई तो ऐसी चीज़ है जो इस जो हमने इस लैंग्वेज में कोड लिखा है उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रही है बेसिकली वो है लैंग्वेज ट्रांसलेटर ये तीन लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं जो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज में हमारा प्रोग्राम कन्वर्ट कर देते हैं ये तीन कन्वर्टर हैं या तीन ट्रांसलेटर है मैं दूसरी तरीके से इसको समझाता हूँ ये एक बंदा है इसको इंग्लिश की समझ है ये है इसको तुर्किश लैंग्वेज आती है ठीक है अब इसने इंग्लिश में बात करनी है इसने जाहिर सी बात तुर्किश में करनी है अब इन दोनों ने आपस में जब कम्युनिकेशन करना है तो ये एक बीच में बनता है जिसको इंग्लिश भी आती है और तुर्किश भी आती है ये पर्सन इसको इंग्लिश में आंसर करेगा क्वेश्चन करेगा ठीक है ना ये उसी को ट्रांसलेट करके तुर्किश में बता देगा इसी तरह ये तुर्किश आपको इसमें तुर्किश में बताएगा और ये बी आपको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बता देगा सेम ये जो करदार अदा कर रहा है बी पर्सन यही आपके लैंग्वेज ट्रांसलेटर करते हैं यहाँ पे हमने कोड लिखा कोड लिखने के बाद ये कंपाइलर क्या करेगा उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा इंटरप्रेटर भी उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है सम्बलर भी अब क्वेश्चन आता है तीनों कन्वर्ट करते हैं तो तीनों में फर्क क्या है देखो जो आपका कंपाइलर है ना उसने क्या करना है ये मैंने एक कोड लिख दिया चार या पांच लाइनों का कोड लिखा इसने क्या करना है इस कोड को एक दफा सभी को कन्वर्ट कर देना है मशीन लैंग्वेज में ठीक है अब इंटरप्रेटर ने क्या करना है मैंने ये छः लाइनों का कोड किया उसने सबसे पहले पहली लाइन को पकड़ना है इसको कन्वर्ट करना है फिर अगली लाइन को पढ़ना मतलब ये कि लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है ट्रांसलेट करता है जो आपका कंपाइलर है वो क्या क्या होल आपका जो पूरा का पूरा कोड है उसको एक ही दफ़ा ट्रांसलेट कर देगा और जो संबलर है ये सिर्फ असम्बली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है असम्बली लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है मशीन या असम्बली लैंग्वेज में जो आपका संबलर है ठीक है अब उसने पूछा था कंपाइलर इज ए ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम विच क्या करता है ट्रांसलेट इंस्ट्रक्शन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इंटू मशीन लैंग्वेज ये भी ठीक है ट्रांसलेट इंटायर सोर्स प्रोग्राम इंटू मशीन लैंग्वेज पूरा का पूरा सोर्स प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है एक ही दफ़ा ये भी ठीक है इट इज़ नॉट इन्वॉल्व इन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ये एग्जीक्यूशन में इन्वॉल्व नहीं होता बिल्कुल ठीक है ये तीनों ऑप्शन आएंगे ठीक है नेक्स्ट देखो अगर आपको कंपाइलर की समझ नहीं लगी तो मैंने कंप्यूटर फंडामेंटल में इसको डिटेल से समझाया वो आप लाजमी लेक्चर देख लें ठीक है वट इज़ कंपाइलर अगेन वही आ गया नहीं ये डिफरेंट है ए कंपाइलर डज दे कन्वर्जन लाइन बाई लाइन एज द प्रोग्राम इज रन नॉट ए कंपाइलर कन्वर्ट दी होल ऑफ हाई लेवल प्रोग्राम इन टू मशीन लैंग्वेज ये आपका करेक्ट है ए कंपाइलर इज ए जनरल परपज लैंग्वेज प्रोवाइडिंग बाई ये आपका नहीं है आपका जो बी ऑप्शन है ये आपका करेक्ट है ठीक है वट इज़ एन इंटरप्रेटर मैंने आपको बताया था जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है उसमें कंपाइलर है इंटरप्रेटर है संबलर है कंपाइलर क्या करता है आपका पूरा का पूरा कोड एक ही दफा मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है या लो लेवल लैंग्वेज में ठीक है एक ही चीज़ है इंटरप्रेटर क्या करता है आपका लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है और असेंबलर क्या करता है असेंबली लैंग्वेज को ही सिर्फ कन्वर्ट करता है तो देख लेते हैं वट इज़ एन इंटरप्रेटर एन इंटरप्रेटर डी कन्वर्जन लाइन बाई लाइन एज द प्रोग्राम इज रन ओके एन इंटरप्रेटर इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम बीइंग डिजाइन एंड एंडर जनरल पर्पस ये आपका फर्स्ट आएगा इंटरप्रेटर डज दन्वर्जन लाइन बाय लाइन एज द प्रोग्राम इज रन ये आपका फर्स्ट है इंटरप्रेटर आपका कन्वर्ट करता है लाइन बाय लाइन या ट्रांसलेटर प्रोग्राम यूज इन असेंबली लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज में कौन सा प्रोग्राम है जो ट्रांसलेट करता है ट्रांसलेटर आपका असेंबलर होता है जो आपका असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसफर करता है मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज में ठीक है विच ऑफ़ दॉलोइंग इज ए नोट कंप्यूटर लैंग्वेज कंप्यूटर लैंग्वेज मैंने आपको बताया दो तरह की हाई लेवल लो लेवल हाई लेवल जो इंसान समझ सकता है लो लेवल जो कंप्यूटर की है ठीक है और इनको कौन कन्वर्ट करता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर कंपाइलर पूरा का पूरा कोड एक ही दफा इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन और संबलर सिर्फ सम्बली लैंग्वेज को अब उसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट कंप्यूटर लैंग्वेज इनमें से कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं हाई लेवल भी है लो लेवल भी है मीडियम लैंग्वेज आपकी कोई नहीं है मीडियम लेवल लैंग्वेज आपकी कोई नहीं है दो ही है हाई और लो विच ऑफ फॉलोइंग डिवाइस वाज नॉट इन्वेंटेड बाय बैबिज चार्ल्स बेबिज इनको फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं इन्होंने इनमें से कौन सी चीज इन्वेंट नहीं की थी पास्कल लाइन ये इन्होंने नहीं इन्वेंट किया था इन्होंने डिफरेंस और एनालिटिकल इंजन ये आपने दोनों याद कर लेने ये अक्सर पूछ लेते हैं चार्ल्स ऑफ Uh, आपका जो बेबज है जिन्होंने एक फादर ऑफ कंप्यूटर है इन्होंने दो फेमस इंजन इन्वेंट किए थे एक डिफरेंस और दूसरा एनालिटिकल इंजन ठीक है ए पेपर प्रिंट ऑफ और डॉक्यूमेंट इज़ नाउन एज पेपर प्रिंट आउट जो डॉक्यूमेंट होता है उसको क्या कहते हैं हार्ड कॉपी जो आपका डाटा यू में होता है पेजेस में वो आपका होता है सॉफ्ट कॉपी ठीक है प्रिंट आउट वाला आपका बन जाता है हार्ड कॉपी ई बी सी डी आई सी स्टैंड फॉर देखो ये आपने एप्लीवेशन मैंने बताया है जितनी भी एप्लीवेशन मैं इस लेक्चर में डाली है वो आपने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है ई स्टैंडर्ड बी बाइनरी सी कोडिड डी डेसिमल आई इंटरचेंज सी कोड ठीक है ये बेसिकली आपका बाइनरी कोड डेसिमल जो इंटरचेंज कोड है नहीं मैं आपको डिटेल में बताऊँगा ई e, बी सी डी आई सी और आसकी के बारे में द आउटपुट क्वालिटी ऑफ प्रिंटर इज़ मैय बाय मैंने आगे बताया आपने प्रिंटर की क्वालिटी को मैयर करना है तो डॉट पर इंच ठीक है एक इंच में जितने डॉट होंगे उतनी उसकी क्वालिटी होगी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एन ए वी एफ एम ए सी पांडा ये सारे के सारे आवाज ये सारे के सारे कौन से हैं आपके एंटीवायरस ठीक है और एक्ल आपका एंटीवायरस नहीं है और एक्ल आपकी डाटा बेस है मैंने आपको फेमस डेटाबेस बताई थी एक आपकी थी एस क्यू एल स्ट्रक्चरल क्यूरी लैंग्वेज माई एस क्यू एल ठीक है और मैंने एक आपको बताई थी और एक्कल ये आपकी फेमस डाटा बेस है ठीक है ये एंटीवायरस नहीं है एनालॉग कंप्यूटर वर्क ऑन सप्लाई ऑफ अच्छा कंप्यूटर बेसिकली दो कैटेगरीज में होते हैं एक होते हैं एनालॉग एक होते हैं डिजिटल और एक होते हैं हाइब्रिड है एनालॉग क्या होते हैं ये इलेक्ट्रिक पल्स कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक पल्स में वर्क कर रहे होते हैं मतलब जिस तरह आपकी गाड़ी का स्पीडोमीटर है ठीक है डिजिटल कौन से होते हैं ये वन एंड ज़ीरो की की बेस पे काम कर रहे होते हैं ठीक है ये कंटिन्यूज इलेक्ट्रिक सप्लाई के ऊपर ये वन एंड जीरो आजकल जितने भी हमारे मोस्टली कंप्यूटर हैं वो डिजिटल ही हैं ठीक है हाइब्रिड है? होते हैं कंप्यूटर जिनमें दोनों क्वालिटी हो एनालॉग भी और डिजिटल भी ठीक है इसको भी मैंने डिटेल में कंप्यूटर फंडामेंटल के लेक्चर में समझाया है अभी उन्होंने पूछा pulse, है एनालॉग कंप्यूटर वर्क ऑन दी सप्लाई ऑफ कंटिन्यूज इलेक्ट्रिकल पल्स ठीक है इन एनालॉग कंप्यूटर इनपुट इज़ नेवर कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्म एनालॉग कंप्यूटर आपकी जो है उसमें कभी भी वो डिजिटल में कन्वर्ट नहीं करते हाइब्रिड कंप्यूटर कौन से हैं मैंने आपको बताया रिजेंबल बोथ डिजिटल एंड एनालॉग जो एनालॉग और डिजिटल जिनमें बहुत करैक्ट्रिस्टिक्स हों वो आपके कौन से होते हैं हाइब्रिड उसके बाद एन एरर इन ए कंप्यूटर डाटा आपके कंप्यूटर के डाटा में अगर एरर आ जाता है तो उसे हम बग बोलते हैं ठीक है वन ऑफ द पॉपुलर मा स्टोरी डिवाइस इज सि रूम वर्ट डज सिडी रूम स्टैंड फॉर देखो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था हमारी मेमरी दो तरह की है प्राइमरी मेमरी और सेकेंडरी मेमरी प्राइमरी मेमरी में आपकी रैम और रोम आ जाती है सेकेंडरी मेमरी में आपकी हार्ट फ्लोपिडिस सी डी रोम यू एस बी और मेमरी कार्ड आ जाते हैं ठीक है अब उन्होंने पूछा one of the popular mass device is CD room, है वन ऑफ द पॉपुलर मा स्टोरी डिवाइस इज सि रूम ठीक है सिडी रूम की एप्रीवेशन क्या है स्टैंड फॉर ठीक है? बेसिकली ASCII होता है देखो ये जैसे स्पेस है ठीक है ना ये कोड है अगर मैं बीस प्रेस करता हूँ तो समझो वो स्पेस है या स्पेस प्रेस करता हूँ उसके बिहाइंड कोड उन्होंने रखा हुआ है अगर मुझे मैं लिखता हूँ ए तो उसके पीछे आपका हैगजा डैसीमल है फोर्टी वन और डेसिमल आपका सिक्सटी फाइव जो उन्होंने कोड करके रखे हुए हैं ठीक है ना ये इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा आपको इस तरह आपको समझ आए ना लगे मैं एग्जाम्पल के तौर पे इसके लहदा लेक्चर बनाऊंगा इसके ऊपर ठीक है अभी के लिए आप जस्ट इसकी एब्रीवेशन याद रखें आज की स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ठीक है आसकी एंड ई बी सी डी आई सी आर दी पॉपुलर करेक्टर कोडिंग सिस्टम स्टैंड फॉर ये पहले भी आ चुका है ई स्टैंड फॉर एक्सटेंडेड बी बाइनरी सी कोडिड डी आई इंटरचेंज और सी कोड ये एब्रीवेशन मैं बार बार बता रहा हूँ इनको अच्छे तरीके से आपने याद कर लेना है टू मेजर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर चिप्स आर आपके कंप्यूटर की दो तरह की चिप होती हैं कौन कौन सी एक्सटर्नल मेमरी चिप और आपकी प्राइमरी सॉरी सॉरी एक्सटर्नल मेमोरी चिप आपकी नहीं होती आपकी एक प्राइमरी मेमोरी चिप होती है और एक आपकी माइक्रो प्रोसेसर की चिप होती है ठीक है और ये दोनों की दोनों जो चिप है ये सिलिकॉन से बनी होती है ठीक है बी एंड सी ए डम टर्मिनल हैज डम टर्मिनल एक तरह का कंप्यूटर है जिसके अंदर स्क्रीन और सिर्फ कीबोर्ड होता है ठीक है डम टर्मिनल हैज ए कीबोर्ड एंड स्क्रीन ठीक है इज में कितने होते हैं ऑफ द कंप्यूटर इन्वेंटेड बाय इनवेंटेड सोफ एंड क्लिपोर्ड इन्होंने दोनों ने मिलकर एक कंप्यूटर बनाया था जिस कंप्यूटर का नाम है ए बी सी ठीक है ये कंप्यूटर है विच ऑफ द फॉलोइंग ए स्पेशल दर्पज कंप्यूटर जो मैंने अभी आपको बताया ए बी सी ये स्पेशल परपज के लिए बनाया गया था कंप्यूटर एक होता है जनरल परपज या जनरल पब्लिक के लिए जो सभी यूज़ करते हैं एक किसी ख़ास मकसद के लिए बनाया जाता है तो ये स्पेशल पर्पस कंप्यूटर बनाया गया था एबीसी किसी खास मकसद के लिए बिच कंप्यूटर वाज कंसीडर द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आपका पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ई एन आई ए सी इज़ दी फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ठीक है आपने ये याद रखना है पहला बिजली से चलने वाला कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था ई एन आई ए सी ठीक है ए फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द माइक्रो प्रोसेसर मेमरी एंड अदर पार्ट ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर इज नाउन एज देखो ये आपकी माइक्रो मेमरी है ठीक है ये आपका सी है ये आपकी कोई और डिवाइस है पैराफिरिकल इनको आपस में कनेक्ट भी तो किसी ने करना है ठीक है फिजिकल कनेक्शन इनका जो कनेक्शन है उसने पूछा इसको क्या बोलते हैं एड्रेस बस ठीक है विच इज यूज फॉर मैनुफैक्चरिंग चिप चिप को मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या यूज होते हैं सेमी कंडक्टर। ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर एंड डिबगर कम्स अंडर देखो सॉफ्टवेयर दो आपके दो तरह के हैं एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है अब इनमें फर्क क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर जब तक आपके सिस्टम में नहीं होगा आपका सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं करेगा ठीक है ऑपरेट नहीं करेगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में हो या ना हो आपका सिस्टम प्रॉपर वर्क करता है ठीक है ये हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है ना अपने पर्पस अपने यूजेस के लिए यूज़ करते हैं अगर आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या डोफ फोटोशॉप या गेम्स वगैरह नहीं भी है तो आपका कंप्यूटर तो रन करेगा लेकिन अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर डिबगर लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं हाई लेवल से लो लेवल यूटिलिटीज़ ये सारे की सारी अगर चीज़ें ना हो तो आपका कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा ठीक है इसी वजह से इसको बोलते हैं कि ये सिस्टम के अपने सॉफ्टवेयर हैं इनके बगैर कंप्यूटर रन नहीं कर सकता ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा आपका कंप्यूटर नहीं चलेगा ठीक है इसी तरह जिस तरह लैंग्वेज ट्रांसलेटर मैंने अभी बताया आपको कंपाइलर इंटरप्रेटर ये अगर ना हो तो कंप्यूटर में कौन सा है जो आपको हाई लेवल से लो लेवल कन्वर्ट करेगा ठीक है तो आपके कंप्यूटर आपका सिस्टम नहीं चलेगा इसी वजह से इनको बोलते हैं हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कौन से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डोव फोटोशॉप या कस्टमाइज किसी खास कस्टम या फैक्ट्री के उन्होंने अपने मकसद के लिए बनाया है सॉफ्टवेयर वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आएगा ठीक है आपके डोव फोटोशॉप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं उन्होंने पूछा है क्वेश्चन क्या ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर एंड डिबगर कम्स अंडर ये कौन से सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर में ठीक है प्रोग्राम डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क और अकॉर्डिंग टू आवर एक रिक्वायरमेंट अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक या किसी खास मकसद टास्क के लिए जो प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बनाया जाता है उस वो कौन सी कैटेगरीज में आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं ठीक है सिस्टम सॉफ्टवेयर तो सिस्टम को जो रन करते हैं ना जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर डिबर्गर लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं ठीक है अगर वो सिस्टम में नहीं होंगे तो आपका सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं करेगा लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं जो इंसान अपने मकसद के लिए अपनी रिक्वायरमेंट के लिए या किसी खास टास्क के लिए डिवेलप करता है ठीक है उसके बाद सी ए डी स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन वट डज डी एम ए स्टैंड फॉर डी एम ए स्टैंड फॉर डायरेक्ट मेमरी असैस ठीक है विट स्टैंड फॉर बाइनरी डिजर्ट फोर्टन इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वट डज फोर्टन स्टैंड फॉर फोर्टन किसका एब्रीवेशन है फॉर्मूला ट्रांसलेशन एम आई सी आर स्टैंड फॉर मैगनेटिक इंक करेक्टर रीडर ठीक है डबल इ पी रोम स्टैंड फॉर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था मेमोरी दो तरह की है मेन और सेकेंडरी ठीक है सेकेंडरी में ये सारी आ जाती हैं हार्ड डिस्क फ्लोपी सी डी यू एस बी मेमोरी कार्ड एंड एंडी प्राइमरी या मेन में आपकी रैम और रोम रैम की आगे टाइप है डी रैम एस रैम ठीक है रोम की आगे टाइप है पी रोम ई पी रोम डबल ई पी रोम ठीक है उसने अभी क्या पूछा डबल ई पी रोम स्टैंड फॉर जो कि मैं रोम की टाइप है डबल ई पी रोम उस किसकी एप्रीवेशन है Electrically रेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली memory. ठीक है यहाँ पे लेक्चर मैं क्लोज़ करता हूँ मैं थोड़ा फास्टली आपको पढ़ाया ठीक है मैं डिटेल में पहले वीडियो बना चुका हूँ तो काफ़ी ज़्यादा एम थे मैंने कोशिश किया है कि उनको समझाने की डिटेल में ठीक है अगर फिर भी आपको नहीं समझ लगे या कोई भी क्वेश्चन पूछना है वो आप कमेंट पर मुझसे पूछ सकते हैं ठीक है अगर आपको वीडियो लाइक अच्छी लगती है तो उसको लाइक करें ठीक है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें अगर कोई क्वेश्चन सजेशन आपने देनी है तो लाजमी मुझे कमेंट में बताएं ठीक है अपना ख्याल रखें अल्लाह हाफिज़